चेतनावनी का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। मैं हमारे पंचायत सभा भोपाल के समस्त पदाधिकारियों के साथ गुणायतन परिवार को आमंत्रित करूंगा। वे आए आज के श्रीपल समर्पण महामहोत्सव का शुभारंभ चेतनावनी के साथ संपन्न करेंगे। मैं मनोज जी वागा भोपाल पंचायत सभा के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी आएंगे। अरविंद भाई, पवन भाई और आचार्य विद्यासागर संस्थान के समस्त पदाधिकारी आएंगे। राजा जी आईएएस उनके सभी साथ आएंगे और अशुद्ध वाला परिवार जिन्होंने इतना बड़ा ये क्षेत्र हमें आचार्य विद्या का विद्यासागर प्रबंधन संस्थान के लिए प्रदान किया है। मैं शुद्ध वाला परिवार को आमंत्रित करूंगा। वे आए और चेतनारमण का कार्यक्रम संपन्न करें। सुरेश जी आईएएस साहब ये भी आएंगे। मैं जिनके नाम ले जल्दी आते जाए, चेतनारमण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे उसके पश्चात। और आइए चेतनारमण के साथ साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी हमारे पंचायत सभा के पदाधिकारी आचार्य विद्यासागर संस्थान के समस्त पदाधिकारी प्राय चलते हैं। चेतनावन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा आचार्य भगवंत के लिए, जो आज हमारे बीच में नहीं लेकिन उनके आशीर्वाद से परम पूज परिवार प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, शनदान सागर जी यहाँ पर उपस्थित है, विराजमान है। और आइए कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज श्रीपल समर्पण महामहोत्सव में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पात्र छानन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। कौन श्रावक होगा, कौन इंदौर वाला, भोपाल वाले, उज्जैन वाले, कौन श्रावक होंगे जो आज परम पूज मुनिवर की गुरु वंदना पात्र छानन के रूप में करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए बोलिए के माध्यम से हम पुण्याजन का चुनाव करेंगे जिनके वहां बनते हैं। किस भरी समा में कौन पुण्याजक हो जाओ आज पात्र प्रचारण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। मैं बोली प्रारंभ करता हूँ 51,151 रुपया। हाँ जी, परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र प्रचारण के रूप में करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और पात्र प्रचारण का सीधा प्रसारण के समय यह दृश्य दिखाया जाएगा। भाव लाइए 51,151 रुपया। परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के पात्र प्रचारण करने के लिए प्रारंभिक बोली आई है 111,111 रुपया। जिनके भाव बनते हैं 151,151 रुपया। परम पुरुष गुणायतन प्रणेता प्रमाणिक संत भावना एक प्रवक्ता जन जन के संत प्रखर वक्ता चार बातों के माध्यम से और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रतिष्ठाचार्य नितिन भैया बोली में सहयोग प्रदान करें। आइए सर 151,151 रुपया 151,151 रुपया। एक बार देखिए देखिए हम यहाँ इंदौर से भोपाल क्यों आए, बताइए क्यों आए, क्यों आए, एक बार जोर से बताओ। ए? क्या गुरुवर को लेने नहीं आए हैं? बहुत गलतफहमी है आपकी, बहुत गलतफहमी है। क्या मुनि प्रमाण सागर जी को लेने आए, ये हमारी गलतफहमी है। एक्चुअल में हम लेने के लिए आए हैं गुरुदेव के चरणों को। कौन जाएगा इंदौर? गुरु जी के चरण जाएंगे तो गुरु जी तो स्वतः ही चले जाएंगे। आज हमें उनका प्रक्षालन करना है और वो प्रक्षालन की बोली इतनी सामान्य नहीं हो सकती। 1,51,000 भाई माइक दो भैया, नितिन भैया को 1,51,151 रुपया। जिनके भाव बनते हैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से। हेलो एक मिनट भैया जी जी, इंदौर के इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी को इंदौर चातुर्मास कराना चाहते हैं, कराना चाहते ना, हाथ खड़ा करके बताइए जरा। और आज आपकी अग्नि परीक्षा है। ये बुंदेलखंड में हड़िया का एक चावल देखा जाता है कि कितना होता है और वो आपकी परीक्षा यहाँ पर हो रही है। 1,51,551 सोच लेना, समझ लेना, बोल लेना। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं जिसको ये बोली तो इंदौर चाहिए, जाएगी इंदौर जाएगी, मुझे पता है इंदौर जाएगी। 1,51,000 नीचे देखो चाहे ऊपर देखो, मुझे जो बोलना होगा बोल दूंगा। 2,22,222 रुपया। दो लाख 2,222। ये भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट भाई साहब, 251,151 रुपया। अच्छा आपके मोहल्ले से है जी, कई बात है। अभी हमारा मोहल्ला तो भोपाल है। अच्छा, एक ऐतिहासिक चतुर्मास कराना चाहते हो इंदौर में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवंत शिष्य पूज्य गुणायतन प्रेरिता करवाना है कि नहीं? करवाना बोल रहे हैं ना, ये तो हाथ उठा के ही आए, संकल्प लेके आए और लेके ही जाएंगे, नहीं इधर बसे यही खड़ी रहेंगी।
हमारे नवीन भैया कह रहे थे, हमारे देखो भैया भैया नवीन भैया नवीन गोदा ये कह रहे थे कि जब तक महाराज नहीं, हम तो इधर देख रहे हैं इस गोदा की तरफ, तुम उधर देखो। वो आनंद उसका भाई है आनंद, और इधर 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 बैठे हैं देखो दो हस्तियां, क्या है, कौन करेगा पात्र प्रक्षालन? संधान सागर जी महाराज साहब कह रहे हैं क्या बना चार पांच से क्या बना कि ये जो पूरा प्रसारण है ये जिंदवाणी पे और पारस चैनल पे विशेष रूप से दिखाया जाएगा, और आज का जो सत्र है, आज का जो शंकर समाधान का सत्र है, ये इंदौर वालों के नाम हो गया है। एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे अनुभव ये बोल रहे हैं कि भोपाल में 7:55 में बोली गई थी दोनों इंदौर वाली, लेकिन भैया आपको पता नहीं है ये इंदौर में जाएगी 1.7 करोड़ में। आप कहाँ अभी? क्या बात है, अभी इंदौर तो आ गया गुरु जी को। भाई नवीन जी गोदा परिवार जोरदार तालियां। भाई साहब नवीन जी नहीं ना, ए माता श्री का नाम श्रीमती सुभद्रा जी गोधा, उनके दोनों सुपुत्र आनंद जी नवीन जी गोधा, और दोनों की श्रीमती का नाम तो बताओ। अंतिका जी शिवानी जी गोधा परिवार की लड़कवाणी जैन समाज अध्यक्ष, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली। हमारे बीच इंदौर से आदरणीय विनय जी बागलीवाल उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके साथ ही गोधा परिवार आ जाए भैया, नवीन भैया ऊपर आ जाए, आनंद भी आ जाओ, नरेंद्र बैद जी साथ में आएंगे आ जाए। और एक शास्त्रदान तीनों मुनिराजों के कर कमलों में, दस तीनों मुनिराजों के कमरों कर कमलों में एक ही परिवार शास्त्रदान करेगा, तीन तीन परिवार। चलिए आइए महानुभाव, शास्त्रदान के लिए कौन सा भाग्यशाली महानुभाव है पुण्यार्जक परिवार जो यहां पर आकर पूज्य गुरुदेव के करकमलों में शास्त्र दान करने का अनूठा सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जल्दी से बहुत छोटी सी राशि में मैं चाहता हूं, 71 बसाई हैं, 71,000 रुपए की राशि जल्दी से जिनकी भावना बन रही हो, पूज्य बड़े महाराज जी के करकमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य शीघ्रता करें। एक पूरी इतनी बड़ी भीड़ में मात्र तीन लोगों को, तीन परिवार को सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ क्या राशि रखी भैया जी? भैया जी राशि 71,000 रुपए, 71,000 जल्दी। अच्छा रमेश भैया कलर के कॉलोनी, हाँ कलर के कॉलोनी, एक नाम बहुत सुंदर आ जाए, इनके परिवार की माताएं आ जाए। दूसरा नाम, दो नाम और जल्दी से, मात्र 71,000 रुपए की राशि में शास्त्र दान करने का सौभाग्य। कितने नाम चाहिए? तीन चाहिए, एक हो गए, एक हुआ, एक और दो बाकी है, दो बाकी। जिनकी बोली है पात्र छल की श्रीमती सुभद्रा जी, उनके दोनों सुपुत्र भाई नरेंद्र जी और आनंद जी, और साथ में नरेंद्र जी वैद। बस अभी बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, सभी नीचे पहुंच जावे, सीधा प्रसारण के समय कार्यक्रम होगा, सभी लोग यहाँ बैठ जावे। जयकारा गुरुदेव का, लाइव चालू, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आचार्य गुरुवर प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। हम सब पूरे इंदौर से जितने भी लोग आए सब हाथ उठा दें, और मैं तो कहता हूँ अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जितने भी इंदौर से आए हैं और जो जो गुरुदेव को इंदौर चातुर्मास के लिए लेके जाना चाहता है वो सब खड़े हो जाए। नवीन भाई, नवीन भाई गुरुवर, हेलो, मैं सभी की तरह से गुरुवर के चरणों में विनय से, हेलो हेलो, गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, मेरे गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, उनके नाम राघव भव की गलियों में डोलेगा, तू उनके नाम राघव भव की गलियों में डोलेगा, गुरुवर का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। हेलो प्लीज देखिए, मैं पात पक्षालन ये गोदा परिवार नहीं, पूरा संपूर्ण इंदौर दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं और हमारे सभी साथी लोग गुरुदेव को पात पक्षालन करना चाह रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। नवीन, नवीन अभी लाइव में सीधा प्रसारण दिखाएंगे। चलिए बैठ जाइए महानुभाव, सभी से मैं करवटते निवेदन कर रहा हूँ अपने स्थान पर बैठ जाए। दो नाम चाहिए मात्र 71,000 रुपए की राशि में। हाँ जी, इंदौर से 4,000 लोग यहाँ उपस्थित हुए, तकरीबन 4,000 लोगों का जमावड़ा इंदौर से यहाँ पर आया है, और पूज्य गुरुवर के अनन्य भक्ता पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य संधार सागर जी महाराज, पूज्य छुल्लक जी महाराज, संपूर्ण संघ को 2024 का 5100 लोग आए। ओहो क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए, 5100 लोग हैं। महानुभाव
दो नाम और मात्र 71,000 रुपए की राशि में जल्दी से स्वीकृति करें। बहुत जल्दी से आपका परिवार यहाँ आएगा, चैनल लाइव चालू हो गया है। मैं स्वीकृति से आमंत्रित करना चाहता हूँ मात्र दो नामों को। एक नाम रमेश जी, हाँ आगे ऊपर आगे सर, रमेश जी ऊपर है। दो नाम और मात्र जल्दी से शास्त्र दान करने के लिए शीघ्रता से। मैं कह रहा हूं परीक्षा आज है और आज ही सब कुछ होने वाला है, पक्की बात है। इसलिए पहले उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ जल्दी से। बिलाला जी बैठे, आ जाओ एक बार। यहां मेरे पास आया है बिलाला परिवार, जो कि हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी हैं, जिन्होंने अच्छा मालवा प्रांत के हमारे गुणायतन के अध्यक्ष मालवा प्रांत के भाई संजय जी बिलाला और सुनील जी बिलाला, जिन्हें एक स्वास्थ्य भेंट करने का मौका। एक और मात्र लास्ट, एक नाम मेरे पास आ चुका है, अशोक भैया श्रीमती रानी डोशी परिवार। एक बार ज्यादा तालियां बजाइए, श्रीमती रानी अशोक जी डोशी परिवार। मेरे पास आया है अशोक रानी डोशी संरक्षक गुणायतन परिवार, जोर से तालियां। चलिए अशोक जी रानी डोशी जी के लिए तालियां। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा ये मंच सामने सुपर व्यवस्थित कर दें। अब सीधा लाइव प्रसारण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसमें विधिवत औपचारिकताओं के साथ एक बार दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और जोरदार जयकार लगाएंगे। जय बोलिए। भाई साहब अभी नहीं, जो भोजनशाला में भोजन कर रहा है वो भी हाथ उठा ले, थाली छूट जाएगी भाई साहब। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि रघुवंश की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणांतन प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, संपूर्ण मुनि संघ की जय। हमारा टीवी चैनल का बहुत चर्चित विश्व विकास संघ का संविधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व आज पूरे देवी अहिल्या किनार मालवा की शान इंदौर नगर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पण के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यहां पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज निवेदन करेंगे संघ का समाधान के विशेष शस्त्र के रूप में, जिसका नाम दिया है श्रीफल समर्पण महामहोत्सव। दोनों हाथ उठाइए, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, बोले हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विकास संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा मैं चिंतन जी वाकीवाला को, वे आए और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के माध्यम से करें चिंतन जी वाकीवाला। और आज मेरा परम सौभाग्य है वापस से आज की संध्या भोपाल की इस धरा पर कि मैं आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत कर पा रहा हूं। और मैं यही कहूंगा कि मुझे गुरुदेव के श्री चरणों से गुणायतन से अगर किसी ने जोड़ा है और आज मेरा यह भव सफल हो रहा है, जन्म सफल हो रहा है, तो वह है मेरे आदरणीय मेरे प्रिय मित्र मनोज बाकलीवाल जी और अनामिका भाभी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपके सामने गुरुदेव के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां। हे 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 ज्ञानमय वाणी अमृत सी झरती जा, प्रमाण सागर तेरी वाणी मन को मेरे लुभा। है ज्ञानमय वाणी अमृत सी झरती जा, प्रमाण सागर तेरी वाणी मन को मेरे लुभा। गुरुवर से आचना
गुरुवर से धारणा गुरु से विशुद्धि है गुरु से ही साधना देखो जिधर गुरुवर उधर मेरी नजर में गुरु है समाए ज्ञान मई वाणी अमृत सी झरती जाए निर्वेद सागर तेरी वाणी मन को मेरे मुभा दोनों हाथ ऐसे गुरुदेव को दिखना चाहिए पूरी भोपाल और इंदौर के हमारे सभी श्रावकगण हेलो प्रमाण की बगिया में हम फूल बन खिले गुरुदेश ना को सुन शिव मार्ग हम चुने मन में बसो गुरुवर मेरे होठों पे तेरा नाम आए सब मेरे साथ गाएंगे ज्ञानमय वाणी अमृत सी झरती जाए निर्भय सागर संदन सागर मन को मेरे लुभा दोनों हाथ पीछे तक धन्यवाद चिंतन जी और ये चलते हैं बिना किसी भूमिका के मैं पात्र छलन के आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुभद्रा देवी और नवीन जी आनंद जी सपरिवार आएंगे और मैं जाऊंगा पात्र छलन में ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे जिनका नाम मैंने घोषित किया है वे आएंगे साथ में नरेंद्र जी वैद्य जी वह जाएंगे मुनिश्री का पात्र छलन करने के लिए पहुंचे विनय जी बाकीवाल आप भी पहुंच जावे तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने ढोल मास्टर तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन और आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे क्लर्क रानी के श्रीमान रमेश चंद जी प्रभा देवी कल्पना जी ये आएंगे परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे इसी क्रम में द्वितीय शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के मालवा क्षेत्र के अध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती स्वर्गीय बिमला देवी परिवार के सुनील जी सुधीर जी संजय जी शांति मेडिकल परिवार अनूप नगर इंदौर और इसी क्रम में तृतीय शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान अशोक दोषी जी और तुकोगन दिगंबर समाज की अध्यक्ष श्रीमती रानी दोषी इंदौर गुणायतन संरक्षक और मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने प्रारंभिक मांगलिक क्रिया संपन्न कर ली है ये मंच अब खाली कर दें आइए मैंने जिनके नामों की घोषणा की रमेश चंद जी प्रभा देवी जी कल्पना जी क्लर्क कॉलोनी शास्त्र भेंट करने का कार्य संपन्न करेंगे इसी क्रम में द्वितीय शास्त्र भेंट करने के लिए शांति मेडिकल बिलाला परिवार मालवा क्षेत्र के गुणायतन के अध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी इसी क्रम में तृतीय शास्त्र भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा तुकोगन दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमती रानी दोषी जी अशोक दोषी जी दोषी परिवार वाकानेर इंदौर चातुर्मास की स्थापना है तो चतुर्दशी को प्रारंभ होगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ही चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है सही नहीं दौर वाले हेलो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जहां स्थापना हो रही है जहां कार्यक्रम चल रहा है ये भोपाल है भोपाल को भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मैं निवेदन करना चाहूंगा जी जी जिनने कार्यक्रम संपर्क कर लिया है प्रारंभिक क्रिया ये मंच पूरा खाली कर देंगे प्लीज जितने भी इंदौर वाले भोपाल वाले हैं अब अनुशासित होकर हम आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आइए मैं जिन्होंने पूरी संयोजना करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया है मैं चाहूंगा ताली बजाकर उस व्यक्तित्व का सम्मान करें उसी बात साथी का सम्मान करें ताली तो बजाइए आपकी ताली कम बज रही है अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मनोज जी अनामिका वाकलीवाल वे आएंगे
निवेदन के लिए और श्रीफल समर्पण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करें और ज्यादा समय नहीं, मात्र 5-7 मिनट। चलिए। परम पूज गुरुवर प्रमाण सागर जी, परम पूज गुरुवर निर्वेक सागर जी, परम पूज गुरुवर संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में पूरे इंदौर समाज की ओर से नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव पूरे देश में इंदौर को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। हमेशा से इंदौर में संतों का निवास और प्रवास होता रहता है, जहां हर गली मोहल्ले में कॉलोनी में मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती है। पूजा विधान मंत्रोच्चार से स्वर लहरियां मंदिरों में गुंजायमान होती रहती है। ऐसे इंदौर शहर की धर्मानुरागी जनता आत्म पिपासु बनके आपकी ओर निहार रही है। गुरुदेव आपका 4 माह के लिए सानिध्य और मार्गदर्शन पाने के लिए गुरुवर अब तो यही कामना है कि वर्षों से जो राह तक रहे हैं उनका इंतजार समाप्त हो और आपका 4 माह का ये प्रवास इंदौर नगरी को मिले। इसी भावना के साथ पूरा इंदौर शहर 3 श्रीफल लेकर आया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए मैं निवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, सर्वप्रथम हमारे इंदौर के अशोक जी, रानी जी दोषी वहां और परम पूज्य गुरुदेव सत्संग को इंदौर चातुर्मास हेतु निवेदन करें, अशोक जी रानी जी दोषी। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे इंदौर के युवा उद्योगपति भाई नवीन जी गोड़ा। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संतान सागर जी महाराज की जय। सबकी जय। सब मुनि संघ को स्वसंघ नमस्तु। महाराज श्री, हाँ यस, हाँ महाराज श्री, निवेदन ये है महाराज श्री की, इंदौर के इतिहास में पहली बार किसी संत महात्मा मुनि संघ को पहली बार 4,000 लोग एक साथ श्रीफल भेंट करने के लिए अपने शहर से कहीं बाहर आए। ये इंदौर, ये महाराज श्री इंदौर के इतिहास में ये पहली बार आया हुआ है कि अभी तक क्या ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इतने लोग एक साथ आए हैं। अब इसमें कई लोग 71 बसें हैं, 100 कारें होंगी, 101 कारें हैं और कई लोगों की भावना तो ये है कि जब महाराज श्री यहाँ से बिहार करेंगे तो हम यहीं अभी रुक जाते हैं, उनके साथ ही इंदौर तक पैदल चलेंगे। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि आप चाहे उद्घोषणा नहीं करें चातुर्मास की, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि बिहार कब होगा आपका, तो हम समझ जाएंगे कि आप इंदौर की तरफ बिहार कर रहे हैं। नवीन जी गोदा हमारे बीच उपस्थित है। इसके बाद तैयार रहेंगे उद्योगपति सचिन जी जैन, जो कि हमारे रेवती रेंज के पदाधिकारी हैं, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। साथ में ही है गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु, नमस्तु, नमस्तु। मनीष नायक जी भी साथ में ही है। पूरा संपूर्ण दिगंबर जैन समाज इंदौर का साथ में है गुरुदेव, कोई अलग अलग नहीं, हम सब साथ हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब की भावना है, जोरदार हाथ उठा के खड़े करें कि इस बार चातुर्मास हम सब यहाँ इकट्ठे आए। आवाज आ रही, इस बार का चातुर्मास भोपाल में हो। भोपाल, पहले इंदौर, इसके बाद भोपाल की भी भावना है, तो हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। गुरुदेव हम इंदौर आपसे, आपके चरणों पड़ जाएं, इंदौर को आपके प्रवचन मिले, आपका सानिध्य मिले, ये इंदौर का सौभाग्य होगा। और हम आज पूरा संपूर्ण शहर से, कॉलोनी, हर कॉलोनी से लोग इकट्ठे होकर आपको श्रीफल भेंट करने आए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का श्रीफल हम सब मिलकर इकट्ठे होकर आपको देने आए, और इस भावना के साथ आए कि आप जल्द से जल्द इंदौर की स्वीकृति हमें प्रदान करें। इस भावना के साथ संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं गुरुवर के चरणों में पुनः निवेदन करना चाहता हूं, पुनः आवेदन करना चाहता हूं कि आप इंदौर चातुर्मास मनाएं। जयकारा गुरुदेव का। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा मैं दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट से हमारे मनीष नायक जी, हमारे सचिन जी और साथ में पप्पा जी, नरेंद्र जी, पप्पा जी, ये तीनों आएंगे और तीनों हमें एक पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव देवोदय ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र पप्पा जी भी
बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वृद्धता के कारण यहाँ तक नहीं चलकर आ पाए हैं। हम सभी इंदौर वासी बड़े लालायत हैं आपके चरण इंदौर की ओर बढ़े, हम सभी पलक पावड़े बिछाकर आपके आगवानी के लिए तत्पर हैं, हम सभी बड़े समय से लगभग 20-25 वर्षों से प्रतीक्षारत हैं। कई बार आप इंदौर के आसपास से आकर निकल गए और हम लोगों का सौभाग्य नहीं जाएगा। इस बार जो भी इंदौर में चातुर्मास हो वे बहुत भव्यता के साथ, बहुत समन्वय के साथ, बहुत एकता के साथ हम सभी करें, ऐसी हम सभी की भावना है। सभी कॉलोनियों के लोग मिलकर इस चातुर्मास को भव्यता से बनाएंगे, ऐसी हम सभी की भावना। और मैं आमंत्रित करूंगा नरेंद्र जी वैद्य को, वे आए अपनी बात रखेंगे। इसी क्रम में गुरुदेव, इंदौर शहर दो पार्टियां प्रमुख, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माननीय रमेश मिंदुजला ने सुबह सब बस को आह्वान करा, निवेदन कराया कि आप पधारें, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे विनय बाकलीवाल जी, झांझरी जी, जिन्हें झांझरी जी यहाँ उपस्थित हैं, जो शहर अध्यक्ष रहे हैं वो भी उपस्थित हैं। मतलब पूरा समाज, पूरी पार्टियां, सभी निवेदन कर रही है कि आपका चातुर्मास इस बार इंदौर हो। आइए अगले निवेदन के लिए आमंत्रित करूंगा नरेंद्र जी वैद्य, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बाहुबली जी जैन। गुरुदेव नमस्तु, अगर उपस्थित हैं तो पहले से जावे। गुरुदेव आपका आने का जब से समाचार इंदौर में फैल रहा है, पूरा जैन समाज एक है और एक होके पूरा का पूरा भोपाल भी आया है, और पूरा का पूरा जैन समाज एक रहेगा, और हम चाहते हैं कि आपका चतुर्मास इंदौर में होवे और जोरदार होवे। इसके पहले दो बार विद्यासागर जी महाराज भी दो बार आए, तो दो ही बार इंदौर को बहुत कुछ मिला जो नहीं मिलना था, उसके से ज्यादा मिला, और आप आ जाओगे तो इंदौर को सुपर कॉरिडोर क्या, मेट्रो क्या, और न जाने क्या क्या चीज मिल जाएगी। गुरुदेव हम तो ये चाहते हैं कि आपका चतुर्मास इंदौर में हो, चतुर्मास इंदौर में हो, उसके लिए ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। चतुर्मास जयकारा गुरुदेव का, और इसी क्रम में बहुत सच्चे दरबार की। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा बाहुबली जी को, अगर वो उपस्थित हैं तो वह जावे अपनी बात रखने के लिए। इसी क्रम में इंदर जी सेठी आएंगे अपनी बात रखने के लिए। आइए जल्दी आइए, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे हर्ष जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव इंदौर में चौमासे हेतु हम सब इंदौर वासी यहाँ पे आने के लिए पिछले एक महीने से हम सब प्रयासरत हैं, और सारे हमारे कार्यकर्ता जो इन सबको यहाँ पे लेके आए हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको नमोस्तु 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 प्रेषित करता हूँ, और हम निवेदन करता हूँ समस्त संघ को, इंदौर में चतुर्मास हेतु आप हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु। इंदर जी सेठी, उसके बाद तैयार रहेंगे जिनेश जी झांझरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे पवन जी जैन गौरीनगर। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण साहब के चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अब सबकी भावना यही है कि अब आप आज ही हमें हाँ कर दे, जिससे आगे हम आगे प्रोग्राम तय कर सके। अब महाराज जी हमारे नवीन जी गुदा करेंगे, हम तो यहीं आज सोएंगे, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, और कल सुबह लेके जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव 3 तारीख को हम विदिशा आए थे, 3 तारीख से 23 तारीख एक एक पल इतना भारी लग रहा था कि कम गुरुदेव के पास पहुंचे, कब गुरुदेव के पास पहुंचे, और किस प्रकार से बस की व्यवस्था। गुरुदेव पहले हमने 51 बस की व्यवस्था जमाई करते करते 71 बस पर हमें रोकना पड़ा गुरुदेव, कि वहां भोपाल की हालांकि व्यवस्था बहुत अच्छी, गुरुदेव बहुत बढ़िया व्यवस्था भोपाल वालों ने आज इंदौर वालों के लिए किया, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन गुरुदेव हर श्रावक और उसकी वो विविधता है, इसलिए हमने 71 बस रोक करके, और निश्चित जैसे जैसे आपका आदेश और जैसे जैसे चरण आपके इंदौर की होंगे, लगभग 1500 कार्यकर्ताओं की, मेरे जैसे मतलब मैं तो सबसे ज्यादा उम्र का हूँ गुरुदेव उसके अंदर, मेरे से छोटे युवा कार्यकर्ता 1500 लोगों की हमने खोज तैयार कर ली है, जो कि भोपाल से लेके इंदौर, इंदौर के आगे जब आपका चातुर्मास समाप्त है उसके आगे तक की पूरी व्यवस्था गुरुदेव इंदौर शिखर जी तक, गुरुदेव हम पूरी व्यवस्था हमारे ऊपर लेते हैं। जय जय गुरुदेव। मैं आमंत्रित करूंगा पवन जी बहुत कम समय में, और इसके बाद गुरुदेव के चरणों में त्यागीवृत्ति परिवार की ओर से अनिल भैया, और सराधिका आश्रम की ओर से बहन गुरुदेव मीना दीदी। जब मैं 3 तारीख को हम लोग आपके चरणों में आए थे, तब मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्या करें कि आपका बिहार इंदौर हो, पर हम सब लोगों ने विचार किया हम ये कर सकते हैं ताकि बिहार आपका इंदौर की तरफ हो, और पूरे इंदौर आज आपके चरणों में है। गुरुदेव बिहार करे, सत्सत नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव को परिवार नमोस्तु। गुरुदेव मैं अपनी भावना पूरे इंदौर समाज की तरफ से व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव यहाँ कहा जा रहा है कि भोपाल में चतुर्मास होगा, इंदौर में चतुर्मास होगा, आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर के घर घर की स्थिति है, घर घर में ये मानस तैयार हो गया। आज हम लोग जब निकले
तो ये माहौल था कि इंदौर में लग रहा है कि किसी को शंका नहीं है, यहां ये प्रश्न सुनने में आया कि भोपाल में चातुर्मास होने की संभावना है। इंदौर वालों को तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग गुरुदेव को लेने ही गए, गुरुदेव को लेके आएंगे। और आचार्य श्री के जाने के बाद आपको बता दूं, सबसे लंबा समय आचार्य श्री का गुरुदेव इंदौर वालों को प्राप्त हुआ, और आचार्य श्री के जाने के बाद जो खालीपन हुआ वो भी इंदौर में ही सबसे ज्यादा हुआ। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज गुहायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देखिए महाराज जी, इतने सारे लोग आए हैं तो इधर तय है कि आपको लेके जाएंगे, इसमें तो किसी को संदेह बचा ही नहीं है। और इसलिए हम सभी की भावना है कि आपके पावन शरण अहिल्या की नगरी इंदौर में पड़े और ऐसा भव्य चातुर्मास हो कि प्रतिदिन हजारों लोग बाहर से भी आए और हम सब धर्म की वह प्रभावना, गुरु जी के जो प्रकल्प अधूरे हैं हम सब मिलकर उनको पूर्ण कर सकें, इसी भावना के साथ आपके पावन चरणों में ये श्रीफल समर्पित है। नमस्कार जी मलैया जो कि गुरुवर के प्रति समर्पित है, उसके बाद मीना दीदी श्राविका आश्रम, इसके बाद उद्बोधन का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप तीन श्रीफल चढ़ाने का क्रम प्रारंभ करेंगे, उसके बाद फिर मंच आएगा विद्यासागर प्रबंधन संस्थान के लिए। ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो इतना ही बताऊंगा कि एक अवसर था, हम सोच रहे थे कि जब बनेड़िया जी में दर्शन करने के लिए वहां तक आ गए थे तो हम लोगों का पूरी प्लानिंग थी कि इंदौर में ही चातुर्मास उस समय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका उस समय। लेकिन अब इंदौर के करीब पुनः आ चुके हैं तो मैं यही कहूंगा कि इंदौर जो काफी समय से प्यासा है उनकी प्यास बुझ जाए, ऐसी भावना लेकर के आपके चरणों में आया हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और आइए मीना दीदी श्राविका आश्रम इंदौर। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय, मंचासीन सभी मुनिराजों की जय। कितना तो हल्ला, देखिए जैसा कि आप लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लगता है इंदौर भानों का भविष्य भी उज्जवल है। 100% महाराज जी थोड़ी देर में घोषणा करने वाले हैं कि इंदौर चातुर्मास पक्का, बस हम यही भावना चाहते हैं कि महाराज जी इंदौर चातुर्मास करें, बस और कुछ। धन्यवाद। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायता के मालवा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान सुनाल जी बिलाला गुणायता ट्रस्टी, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे चरणों में। नमन, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है, भक्तों ने नेता के साथ भक्त है, इंदौर के बड़े बड़े नेता भी आए हुए हैं, सब धार्मिक नेता हैं। मेरी तो भावना है कि चतुर्मास तो होगा ही, अब अपन उसकी तैयारी में जुट जाएं, अब इसी को शंका लग नहीं रही है। कुछ दिनों में गुरुदेव का विहार इंदौर की तरफ होगा, हम जोर शोर से की तैयारी में लग जाएं। नमस्तु भगवान। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा मनोज जी बाकलीवाल को, इसके पश्चात अब श्रीफल चढ़ाने का क्रम प्रारंभ होगा, लेकिन श्रीफल चढ़ेंगे पूरी इंदौर समाज से तीन ही। नमस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं पूरे इंदौर को जिन्होंने आज इतना ऐतिहासिक प्रोग्राम भोपाल में संपन्न करवाया, बस जोरदार ताली अपने स्वयं के लिए। हम सब गुरुदेव आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपका चातुर्मास इंदौर में हो, और हम सब विश्वास दिलाते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम संपूर्ण चातुर्मास में सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की तरफ देखेंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, और आप इस इंदौर चातुर्मास को हमारे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बस यही विनम्र निवेदन है। और अब मैं चाहूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जिन्होंने संपन्न करवाया है, पूरी भोपाल की गुणायतन परिवार की टीम और साथ ही विद्यासागर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। यह बहुत बड़ी टीम है, बहुत लंबी टीम है, गुरु के प्रति समर्पित टीम है। इन्होंने जब भी गुरुदेव की कोई आज्ञा हुई है आंख बंद करके उसको पूरा किया है। मैं आपको बहुत अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद। राजेश जी जैन दद्दू भी आएंगे, अपनी बात रखेंगे, इसके बाद उद्बोधन का कार्यक्रम पूरा बंद हो जाएगा, श्रीफल चढ़ाने का क्रम हम प्रारंभ करेंगे जल्दी, एक मिनट में। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, इंदौर की दिगंबर जैन समाज के मंत्री डॉक्टर जैनेन्द्र जैन,
मेरी और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुदेव। इंदौर की संपूर्ण जैन समाज की भावना है कि इस वर्ष आपका चातुर्मास मालवा की धर्म नगरी इंदौर में हो। इस पुनीत भावना से आज हजारों की संख्या में गुरु भक्तों ने पलकों की कालीन बिछाए आपके श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए इंदौर से भोपाल पधारे हैं। इंदौर चातुर्मास कर आप रहने वाले मुनि भक्तों को आपके श्री चरणों का अभिषेक करने का अवसर प्रदान करें। कृपया हमारे इस अनुरोध की रक्षा करें एवं स्वीकृति प्रदान करें। अनुग्रह उज्जैन से 200 लोग इस गुरुदेव इस सभा को आइए। हाँ आइए जी भैया। भोपाल वासियों और इंदौर वासियों मेरे जैन समाज के और आचार्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए यही विनय करता हूँ गुरुजी, इस आशा से हम उज्जैन से यहाँ तक आ गए हैं कि इंदौर को चौमासा मिलेगा और उज्जैन महावीर स्वामी की उपसर्ग नगरी में आपके चरण कमल उज्जैन समाज को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उज्जैन में पड़े, यही विनय मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। और शंका समाधान भी यही शंका लेके आया हूँ गुरु महाराज के उज्जैन पधारे आप। चलिए ठीक और आइए चलते हैं। मैंने महाराज जी आज जो है उज्जैन से 200 आदमी आए और इंदौर जाने का रास्ता जो है उज्जैन से होकर के ही जाता है। पिछली बार भी आपका चतुर्मास उज्जैन में होते होते रह गया, वो इस बार जो है आपके चरण कमल पड़ेंगे तो उज्जैन वाले कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद। आइए चलते हैं, अब सभी मंच पूरा खाली कर दे प्लीज, मंच खाली कर दे, श्रीफल नीचे से ही अब समर्पित की जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे वो संयोजक हैं जिन्होंने पूरे इंदौर की विभिन्न कॉलोनियों से श्रावक श्राविकाओं को बसों में लेकर आए हैं, वो पुण्याजक परिवार हैं जिन्होंने अपनी ओर से बस व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया है, और वो सामाजिक हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने पूरी समाज के साथ मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीफल चढ़ाने का क्रम नीचे से ही होगा। यात्रा संयोजक परिवार सहित इंदौर के पूर्वोत्तर से जाने वाले श्रावक जो वहां बैठे हैं वहीं खड़े हो जाएंगे। यहां पर जो बैठे हैं सम्यक दर्शन श्रीफल समर्पित करने के लिए जितने भी यात्रा संयोजक हैं, सभी बस सभी यात्रा संयोजक बस संयोजक परिवार सहित इंदौर के पूर्वोत्तर से आने वाले समस्त श्रावक श्राविकाओं ने निवेदन किया है, हे मुनिवर आपका चातुर्मास देवी अहिल्या की नगरी मालवा के स्थान इंदौर में संपन्न हो, इस भावना के साथ श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव हमारी तो आस भी यही है, अरदास भी यही है, अर्घ भी यही है, और इसी क्रम में द्वितीय श्रीफल समर्पित करने के लिए सम्यक ज्ञान श्रीफल के लिए समस्त पुण्याजक परिवार के साथ साथ इंदौर के दक्षिण पश्चिम के श्रावक एवं उज्जैन दिगंबर जैन समाज के श्रावक। गुरुदेव इसी भावना से आज सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये तीन श्रीफल चरणों में झुका है गुरुवर, गुरुवर दे दो चौमासा, चरणों में झुका है गुरुवर दे दो चौमासा। ओम 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 ओम। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें शीघ्रता से, हमने भोपाल वालों के लिए समय निश्चित किया है। आइए मैं उन सभी पदाधिकारियों को ट्रस्टियों को आमंत्रित करूंगा। ये जो आप परिसर देख रहे हैं लगभग ये 20 एकड़ का परिसर है, और इस परिसर में श्री विद्यासागर प्रबंधन संस्थान संचालित होता है, और उनके समस्त ट्रस्टियों को और पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा श्रीफल चढ़ाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करूंगा। राजेश जी आईएएस आइए, क्रम से मैं नाम ले रहा हूं, ये सभी आते जाएंगे मंच पर, जिसको बुलाए वही आएंगे, जिनका नाम बोले वही। अनुभव भैया उधर मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्यासागर संस्थान के साथ साथ पंचायत सभा और मुनि संघ सेवा समिति भोपाल ये सभी आएंगे श्रीफल चढ़ाकर परपोज मुनिवर से निवेदन करेंगे। मुनिवर आपने इंदौर वालों की बात तो सुनी है, अब भोपाल वालों की बात सुने, आपका चातुर्मास भोपाल में हो। संस्थान के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान राजेश जी जैन आईएएस जो कि इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, वे आए अपनी बात रखेंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में सत्सत वंदन, परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी के चरणों में सत्सत वंदन, मुनि संघ के चरणों में सत्सत वंदन। गुरुदेव सर्वप्रथम मैं भोपाल चतुर्मास के लिए सभी भोपाल वासियों की ओर से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि भोपाल चतुर्मास की स्वीकृति प्रदान करें गुरुदेव। गुरुदेव मैं संस्थान के बारे में थोड़ा सा
आज इंदौर से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। बताना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से, पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आचार्य आशीर्वाद से वर्ष 1995 में आचार्य विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी। इस हेतु सूतवाला परिवार, विशेष रूप से इसमें महेंद्र जी जैन का बड़ा योगदान था, उनके द्वारा 19 एकड़ 30 डेसिमल भूमि सूतवाला परिवार द्वारा ये दान इस संस्थान की स्थापना हेतु दी गई थी और तभी से संस्थान पूरी तरह से उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। गुरुदेव, संस्थान को नई दिशा और दशा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से संस्थान में शैक्षणिक क्षेत्र में नई परिकल्पनाएं शुरू हो, नए प्रकल्प शुरू हो, ऐसी हमारी भावना है। गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं कि मानव मन बड़ा चंचल होता है, हालांकि बड़ी संख्या में इंदौर से हमारे साधर्मी बंधु मातृशक्ति पधारी हुई है, जितना मिलता है उससे ज्यादा की अपेक्षा मानव मन करता है। तो हमारा तो निवेदन है कि आपका चतुर्मास गुरुदेव भोपाल में हो, और भोपाल में कहीं भी जहां आप चाहें वहां चतुर्मास हो। और मेरा तो निवेदन है संस्थान की ओर से कि गुरुदेव संस्थान परिसर में आपका चतुर्मास हो। पुनः गुरुदेव सभी की ओर से मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। गुरुदेव के चरणों में पुनः त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मनोज बांगा जी पंचायत कमेटी ट्रस्ट की ओर से आग्रह करेंगे, हम लोग सब उनके साथ हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की, इंदौर से पधारे सभी साधर्मी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन सबका भोपाल शहर, भोपाल जैन समाज की तरफ से स्वागत करता हूं, और पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार भोपाल जैन समाज की तरफ से निवेदन करता हूं कि महाराज श्री आप अभी भोपाल में विराजमान है, और आगे का अवसर जो भी हमें प्रदान करें, चतुर्मास का जो भी हम सबको आयोजन करना है उसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम आपका भोपाल शहर में धर्म प्रवाहनों के साथ चतुर्मास करवा सके भगवान। ऐसी आपसे बारंबार प्रार्थना है, और आपके जैसा आशीर्वाद हो हम वैसा हम सब पूर्ण रूप से भोपाल जैन समाज आपके पूर्ण रूप से मार्गदर्शन चतुर्मास करना चाहते हैं। नमोस्तु। गुरु जी, गुलायतन परिवार से नरेंद्र टोंगे जी हमारे शिरोमणि बोलेंगे, है ना? बोलिए आप। आप लोग जरूर 5000-4000 में आए हो, लेकिन आपका स्वागत है भोपाल में, आपका स्वागत है भोपाल में, लेकिन मुनि सिंह भोपाल से 50,000 जनों की तरफ से आग्रह है कि मुनि सिंह आपका चौमासा इस बार भोपाल में हो। आप मुनि सिंह पूरे गुणतन परिवार और पूरे भोपाल जैन समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि इस बार हमें वापिस से मौका दिया है। चलिए, हो गया, ओम ओम बस। और आइए चलते हैं, अबे भैया इंदौर में होगा कि भोपाल में होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ भी होगा मुनिवर का चातुर्मास होगा। ओम ओम अभय। अरे ये चलते हैं, अभय जी महाराज जी आश्रम की ओर से, शरद से श्राविका आश्रम की ओर से आनंद भरवर परिवार। ओम, मैं महाराज श्री नमोस्तु, महाराज श्री हम सब लोग ट्रस्टीज लोग दिगंबर जैन उदासीन आश्रम में पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। हम सब ट्रस्टीज की इच्छा है कि आप हमारे समोशरण मंदिर में आए, वहीं विराजे, वहीं सारा प्रोग्राम आपका होगा, हम पूरी व्यवस्था करेंगे मन से तन से काय से। नमोस्तु महाराज। पर ये चलते हैं, ओम ओम। नरेंद्र जी वंदना, नरेंद्र जी वंदना जी आएंगे, मुनि संघ परिवार की ओर से अपनी बात रखेंगे। मैं चाहूंगा एक बार नरेंद्र वंदना का जोरदार अभिनंदन करें। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भोपाल में मुनियों के प्रवेश के लिए महान संघर्ष किया है, और आज जो भोपाल में मुनियों की प्रभावना है उसमें मुनि संघ सेवा समिति की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसके शुरू से महामंत्री ये रहे, इनको जरूर अवसर मिलना चाहिए। बोलिए बोले विश्वंद 1008 भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की उपस्थित महानुभाव, हम तो महाराज श्री के साथ कुंडलपुर से जब चले थे तब निरंतर प्रयास कर रहे थे कि महाराज श्री आपका भोपाल में ही चतुर्मास हो,
और आज वो घड़ी आ गई है कि महाराज श्री से हम पूरे भोपाल की ओर से सारे मुनियों की जो मुनि संघ के हमारे सहमति हैं सबकी ओर से आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आपका वर्षा योग भोपाल में ही संपन्न हो। वो भोपाल से जो लोग इतनी यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा अपने हाथ ऊपर करके महाराज श्री से निवेदन करें, हे महाराज श्री आपका भोपाल में ही वर्षा योग हो, आपका भोपाल में ही वर्षा योग। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए चलते हैं आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं सम्मान सहित पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर पारसी जैन भोपाल, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार से अनुभव जी जैन और योगेश वंद्रा वे आएंगे और रवि मड़वैया जी ये आएंगे जो कि हमारे गुणायतन के समर्थ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर पारस जी जैन का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सीए साहब अनिल जी जैन भोपाल, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का आमंत्रित करूंगा हमारे सीए श्रीमान अनिल जी भोपाल सब परिवार आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धांत जी, रोहित जी सुगंधी और अजय जी जैन को, ये आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन के नवीन ट्रस्टी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे सीए श्रीमान अनिल जी सपरिवार परम पूज अमित एसपी जैन, अनिल जैन एसपी जैन अमित जैन सीए परिवार, जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और हमारे गुणायतन परिवार से सिद्धांत जी, अजय जैनको जी और रोहित सुगंधीलाल जी ये आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं अगले ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमती तारा जी, डॉक्टर शिखर चंद जी, शशेन जी, डॉक्टर ज्योति लहरी सपरिवार भोपाल और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संजीव जी जैन, संजय मलैया, नरेंद्र टोंगे जी और विकास जी गोधा ये आएंगे हमारे सम्माननीय सचिन जी लहरी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सब और आइए, बहुत से लोगों की भावना थी कि हम बोले हम निवेदन करें, आप चाहते हैं कि मुनिवर को सुनना है कि आपका निवेदन का उद्बोधन कराएं, कौन चाहता है मुनिवर का उद्बोधन, बोलो हाथ उठाओ, सभी चाहते हैं ना। अजय राजजी परिवार जो कि हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं भोपाल के, उनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए बिना किसी भूमिका के इंदौर वालों, भोपाल वाले, उज्जैन वाले, देवास वाले, जहां जहां से श्रावक श्राविका आए हैं, हे मुनिवर आपसे निवेदन है कि आप हमारे घर में चातुर्मास करें, कि आप हमारे घर में चातुर्मास। आइए चलिए, ओम नमः। आज आप सब लोगों का मन आनंदित है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आतुर दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। आप सब चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र घोषणा हो और वह घोषणा भी हमारे पक्ष में हो, है ना। चातुर्मास का लाभ लेने के लिए सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इस बार इंदौर वालों की तत्परता कुछ ज्यादा दिख रही है। गुरुदेव का आप लोगों की इतनी संख्या में उपस्थिति आप सबके अंदर के उत्साह को उजागर कर रही है। हमने तो सुना है कि सुदामा जब श्री कृष्ण के दरबार में गए थे, अपने साथ चावल की पोटली लेकर गए थे,
और इस आशा में गए थे कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ मिलने की जगह श्री कृष्ण जब पोटली के चावल भी खा गए, ओ जब श्री कृष्ण पोटली कुछ देने की जगह पोटली की चावल भी खा गए, तो सुदामा को बड़ी निराशा सी लगी कि मिलना था सो तो गया ही, गांठ का और चला गया। लेकिन सुदामा को उनके चावल का मूल्य तब पता चला जब घर लौट करके पहुंचे। तो मैं इतना कह सकता हूं कि सुदामा के श्रद्धा के तंदुल कभी व्यर्थ नहीं जाते। सुदामा को थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, घर पहुंचने तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की भावनाएं आज से नहीं, बहुत वर्षों से है। मुझे दिख रहा है बनेड़िया जब मैं पहुंचा था तो पूरा इंदौर उमड़ कर आ गया था। बाजू में था योग नहीं बना, रतलाम भी आप लोग एक साथ 150 बसें लेकर आए, मुझे याद है। आज भोपाल में इतनी संख्या में मुझे बताया जा रहा है 71 बस और 108 कारें और अलग से अलग, बहुत अच्छी बात है। ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति का द्योतक है। इंदौर वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंदौर हमारे ध्यान में है, इस बार जब मैं कुंडलपुर से निकला तो निकलने के पहले बड़े महाराज से मेरी जो आगे के कार्यक्रमों की चर्चा हुई, परम पूज्य गुरुदेव से जो मुझे आशीर्वाद मिला था, उन आशीर्वाद को साकार करने के क्रम में जब मैं उधर से निकला, मैं चाहता था कि गुणायतन में भी विलम्ब है तो उस गैप का उपयोग किया जाए, और जब मैं निकला तो उन चर्चाओं में मैं इंदौर को जोड़ कर निकला था। हमारी ये गाड़ी इंदौर के लिए ही छूटी है। सुनो 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 सुनो, ओ वो सुनो तो, हमारी ये गाड़ी इंदौर के लिए ही छूटी है और निकल पड़ी है। ट्रैक केवल इंदौर का है, अब कब पहुंचती ये पता नहीं। अब भैया पहुंचेगी तभी तो तुम मानोगे, लेकिन संशय मत करो, सुदामा बनोगे तंदुल जरूर फलेंगे। इसलिए आज आप सबके इस भावभीने निवेदन से हम सब निश्चित रूप से ये विचार करने को बाध्य हुए हैं। मैं चाहता तो अभी कुछ भी संकेत नहीं देता, पर मुझे लगा कि अब ज्यादा लटकाना ठीक नहीं है। अब तो आप केवल सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, भावना भाइये मानसून तैयार है, लेकिन एक सावधानी इंदौर वाले रखना, मानसून बन जाने के बाद भी लटकते लटकते काले काले बादल लटकते हैं, और इसी बीच कहीं उल्टी हवा चल जाती है तो बादल कहीं और बरस जाते हैं। तुम लोगों से मैं कहता हूं उल्टी हवा मत चलने देना, और बहुत सारे लोग उल्टी हवा चलाने वाले भी हैं, उनसे बच के रहना। कहीं उल्टी हवा चले भी तो उससे प्रभावित मत होना, हवा का दबाव बना के रखना ताकि भरपूर बारिश होते रहे। ये प्रयास आप सब करते रहिए, बाकी निश्चित
भावना भावनाशनी है। हम यही जानते हैं, यही समझते आए हैं कि सच्चे मन से जो भाया जाए वो जरूर साकार होता है। ये जो उपस्थिति हजारों की, ये लोगों की उपस्थिति नहीं, ये भावनाओं का सैलाब है और ये फलवान जरूर बनेगा। तो मैं अब दो पंक्तियां जो विदिशा में आप सबको सुनाया था उसे ही थोड़ा संशोधित करके कहूंगा। एक न एक समा जलाए रखिए, एक न एक समा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी माहौल बनाए रखिए। अब आपको अपनी बात बनानी है तो मैं समझता हूं श्रीफल समर्पण महोत्सव अब पूरा हो गया। भोपाल वालों की बात भी मुझे कर लेनी पड़ेगी। भोपाल बहुत ही समर्पित और उत्साही समाज है। ये लोग ऐसे हैं कि पलकों का इशारा देखकर काम करते हैं। कई बार तो लोगों को कहना पड़ता है, पर यहाँ ये जो मूर्तियां बैठी है इन्हें केवल इशारा ही पर्याप्त है। भोपाल वालों को मैं ये कहना चाहूँगा, तुम लोगों के अंदर उदारता है और उदार भी रहना चाहिए। भोपाल को हमारा खूब खूब प्रवास मिला है, अभी इंदौर अछूता है। इसलिए आजू बाजू को देख के चलना चाहिए। हालांकि अभी कोई पक्का नहीं है, कई बार बिल्ली के भाग से सीका टूट जाता है, तो इंदौर वाले सीका मजबूत बनाना टूटे नहीं, और भोपाल वाले तो ताक में बैठे ही हैं, इनको कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये, आचार्य विद्या सागर प्रबंध विज्ञान संस्थान का ये परिसर, ओम बीच में कुछ मत कीजिए, सभी सभी, आचार्य विद्या सागर प्रबंध विज्ञान संस्थान का ये परिसर 1995 में जब हम लोग यहाँ थे तब मेरे मन की कल्पना थी कि ये राजधानी है, इस राजधानी में कुछ ऐसा उपक्रम होना चाहिए जो शिक्षा संस्थान का एक उत्कृष्ट उदाहरण बने। उस चातुर्मास में सुरेश जी बहुत रुचि से आगे आते थे, इनके साथ अजीत जी पाटनी थे। प्रत्येक शनिवार को मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक लेता था और उसी बैठक में महेंद्र कुमार जी सूत वाले, जिनका एक पैर इंदौर में है, उनके बहुत भाई इंदौर में भी रहते हैं, वो आगे आए और एक बहुत बड़ा संकल्प उन्होंने व्यक्त किया कि महाराज बरखेड़ा पठानी में हमारी जमीन है, उसमें से मैं 20 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए समर्पित करता हूं। उनने अपनी भावों के अनुरूप इस भूमि को समर्पित किया और बैनाला जी, रतनलाल जी बैनाला, पन्नालाल जी बैनाला ने आकर उस समय 51 लाख रुपए की सबसे प्राथमिक राशि समर्पित की। उससे इसकी शुरुआत हुई। सुरेश जी के नेतृत्व में ये बहुत आगे चला। उन्होंने अपने रिसोर्स से भी कई लोगों से दान लिया और एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट यहाँ चला। लेकिन अब बहुत जल्दी यहाँ एक संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। कमेटी यहाँ बहुत तत्परता से लगी है, उसकी रूपरेखा बन गई है और बहुत जल्दी वो भी साकार होगी। एक बार सुरेश जी का सभी को अभिनंदन करना चाहिए, ये एक वरिष्ठ IAS हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी रुचिपूर्वक ये कार्य किया है। आज ये अब इसका फलीभूत होने का समय आया है। मैं कहूँगा इस धरा का अभ्युदय काल अब आया है और जरूर ये आचार्य विद्यासागर मैनेजमेंट संस्थान, प्रबंध विज्ञान संस्थान आने वाले दिनों में भारत में एक अच्छे शैक्षिक संस्थान के रूप में स्थापित होगा और इसके लिए बहुत सारे लोग तैयार भी हैं, समय पर वो काम भी होगा। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत
सूतवाला परिवार, भेनाड़ा परिवार और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुटे हैं सुरेश जी के साथ, पाटनी जी का तो उल्लेख मैं कर ही रहा हूँ, वर्तमान में जो कमेटी राजेश जी के नेतृत्व में है, उस पूरी कमेटी को, चाहे वो उसमें अनुभव हो, योगेश हो, रवि हो, आपके अजय जैन को हो, और जितने लोग विकास हैं, अतुल, अनुपम पंडित है, नरेंद्र है, इन सबको, नरेंद्र टोंगिया, इन सभी को प्रशांत जी, एक बहुत अच्छी शख्सियत जो सेज महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, बड़ी रुचि के साथ इस कार्य में लगे हैं। इंद्रजीत जी भी अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं कि पिछले दिनों जो बात हुई उसे साकार करने की कोशिश करें, और सूत वाला परिवार से मैं कहता हूं अपने उत्साह को वृद्धिंगत करो, महेंद्र सूत वाला का सपना आप साकार होने वाला है, इसे आगे बढ़ाइए।